हमारे पास ये एचपी का लैपटॉप है, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि ये पावर का स्विच है यहाँ पर साइड में, इस पावर के स्विच को मैं जब ऑन करूँगा तो हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो जाता है, मगर ऑन होने से पहले हमको एक मैसेज एरर का मैसेज शो कर रहा है, जिसमें ये लिख रहा है कि फ़ैन जो है वो पूरी तरह से या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और वो क्यों नहीं काम कर रहा है उसका हम आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और ये लिख रहा है कि 15 सेकेंड बाद ये अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम एंटर की प्रेस करके आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है, ऑन होने के बाद जो है हमारा अगली दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि सिस्टम ऑन होने के बाद हमको अगर मेरा काम खत्म होने के बाद अगर हमको शटडाउन करना हुआ तो हम शटडाउन और या रीस्टार्ट ये दोनों ही हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पावर का ऑप्शन है यहाँ पर, उस पावर के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमको दो ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें कि एक शटडाउन और एक रीस्टार्ट का ऑप्शन जरूर से होता है। तो यहाँ पर हमको क्या ऑप्शन लिख रहा है, जैसे हम पावर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमको लिख के आ रहा है देर आर करेंटली नो पावर ऑप्शन अवेलेबल। तो इस तरह की जो दूसरी प्रॉब्लम है उसका भी हम आगे रिजोल्यूशन करेंगे कि ये क्यों जनरेट हो रही है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और आपके इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस वीडियो में जरूर से दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और HMG IT सोल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लैपटॉप के कुछ ओवरव्यू को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पावर का स्विच है, उसके कुछ इंडिकेशंस हैं और यहाँ पर ये वेंटिलेशन का एरिया है, ये 3.5 mm का जैक है और ये प्लस और माइनस के वॉल्यूम कीज़ दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये हार्ड डिस्क की एक इंडिकेशन है इसके जस्ट ही बगल में। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का कोई इंडिकेशन ना ही कोई सॉकेट या कोई कनेक्टर दिया हुआ है। और यहाँ पे ये आपका SD कार्ड का स्लॉट है, ये आपका C टाइप USB है और ये USB के कुछ पोर्ट्स हैं और साथ ही साथ HDMI का पोर्ट और पावर चार्जिंग पावर के पॉइंट दिए हुए हैं। बैक साइड में कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको ये जो आपका है ये वेंटिलेशन का एरिया, एक्चुअली यहीं से जो है प्रॉब्लम है और एक्चुअली फ़ैन जो है वो चल नहीं रहा है या क्या इशू है, जाम है, उसको हम जब खोलेंगे तो आपको उस चीज़ को बताएंगे। तो अभी के लिए मैं आपको इसको ओपन करने के बाद दिखाता हूँ। ये इंटेल i3 है जो कि 7th जनरेशन है इंटेल का और बहुत ही स्लिम बॉडी वाला लैपटॉप है ये, बहुत ही खूबसूरत है और परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी है इसकी। और ये मैंने आपको एक डैमेज का इंडिकेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक्चुअली ये शायद गिरा है या कुछ ठेस लगी है जिसकी वजह से, ये एक्चुअली मेटल की बॉडी है और ये जस्ट जो मैंने इंडिकेशन दिया है उसके पीछे ही हमारा CPU का फ़ैन होता है। और मुझे जो डाउट है ऐसा ही कुछ हुआ है और देखते हैं अभी जो मैं सोच पा रहा हूँ वैसा ही कुछ हुआ है कि कुछ क्या हुआ है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे जितने भी स्क्रूज़ के यहाँ नीचे दिए हुए हैं उन सभी स्क्रूज़ को मैं खोल लूँगा और एक दो स्क्रू इसके ऐसे होंगे जो हिडन होंगे, उनको मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ हिडन होते हैं, क्योंकि हम बिना सारे स्क्रू खोले लैपटॉप के कवर को ओपन करने की कोशिश करते हैं और होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो पार्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं उस बॉडी से, उसके ढक्कन से, कवर से कहीं ना कहीं टच में होते हैं तो वो टूट जाते हैं पार्ट्स। तो इसको हमको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे बॉटम में ये रबड़ की ग्रिप लगी हुई है, इसके अंदर एक स्क्रू छुपा हुआ है, तो हमको देख लेना है कि कभी कभी इनमें स्क्रू होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि अभी इस केस में हमारे में स्क्रू नहीं मिला है हमको, हम चारों को पैड को हटा के देख लेंगे, क्योंकि कुछ सीरीज़ में ऐसे लैपटॉप होते हैं कुछ सीरीज़ के कुछ दूसरे ब्रांड्स में जिसमें इसके नीचे चारों के नीचे होते हैं स्क्रू। ठीक है, अभी जैसे कि मैं इसको खोलूँगा तो इसके नीचे भी देख लेते हैं इसके नीचे स्क्रू है कि नहीं। हाँ, मुझे स्क्रू मिल चुका है यहाँ पे, तो इसमें स्क्रू है और कुछ कुछ केसेस में चारों में होते हैं, किसी किसी केसेस में दो साइड में ही होंगे। जैसे कि अगर इस साइड में मिला है तो गारंटी है कि लेफ्ट साइड में भी बिल्कुल से होना है स्क्रू। तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे मुझे इसकी एक स्क्रू मिलना है, तो मैं इसको भी खोल लूँगा। हमने अभी तक 5 स्क्रू खोल लिए हैं, ये 5वां स्क्रू है। अब 6वें स्क्रू की बात करें, अब मैं इसको जो है वापस से पैक कर दूँगा क्योंकि अभी तो स्क्रू लगाने नहीं है हमको, अगर ये हो सकता है कि डस्ट की वजह से इधर उधर हो जाए, गंदे हो जाए, ख़राब हो जाए। तो अब हम आखिरी स्क्रू की बात करें जो कि 6वां स्क्रू है हमारा, ये यहाँ पे ये छुपा हुआ है इससे, तो हमको इसको हटा लेना है। एक छोटी सी प्लास्टिक की कवर है जिसकी वजह से ये स्क्रू कवर्ड है और ये इस तरह से कवर्ड है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और हो सकता है कि आप इसको ध्यान भी ना दो, आपको बिल्कुल सिमिलर कलर से मैच करता हुआ मिलेगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे स्क्रू हो ही नहीं सकता है और आप लैपटॉप के कवर को खोलने की कोशिश करेंगे और खोलते जाएंगे और आखिरी में क्या होगा कि बॉडी टूटेगी, अंदर का कोई पार्ट जो भी उससे टच होगा वो टूट जाएगा। ठीक है,
तो अभी मैंने अपने हिसाब से मैंने चेक करके सारे स्क्रू जो है वो खोल दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डंप दिख रहा होगा, एक छोटा सा डंप है लैपटॉप के बैक साइड में, और मैंने सारे स्क्रू खोल दिए। आप कोशिश करते हैं इस लैपटॉप को खोलने के लिए, तो आपको इसके सराउंडिंग जो है वो हल्की हल्की झिर्रियाँ दिख रही होंगी, तो उन्हीं झिर्रियों में से जो भी झिर्री हमको लगे कि बहुत आसानी से मेरा जो ओपनर है वो जा सकता है, तो हमको फंसा करके उसको लूज़ करते जाना है। जो भी क्लिप्स हैं उसकी वो अनलॉक होती जाएंगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही सारा अनलॉक करना है। ये नहीं कि झटके से एक साइड अनलॉक हो गया तो हम पूरी फोर्सफुली सारी चीज़ें ओपन कर दें, ऐसा करने से कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है बॉडी का या तो किसी इंटरनल पार्ट्स का जो भी उससे अटैच होगा। मैं हर वीडियो में ये बात ज़रूर से बताता हूँ कि लैपटॉप की सर्विसिंग करना हो सकता है कि आसान हो, डस्ट क्लीन करना, पार्ट रिप्लेस करना, या फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, या उसको रिजॉल्व ही करना, मगर चैलेंजिंग काम सबसे ज़्यादा लैपटॉप को खोलना भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी खोलने से ही नए नए पंगे क्रिएट हो जाते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये योगा टाइप का लैपटॉप है, मैंने पूरी स्क्रीन जो है फोल्ड कर दी है बैक साइड से, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है इसको खोलने के लिए। तो अभी जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये लूज़ हो गए हैं, सारे क्लिप्स अनलॉक हो गए हैं, और कुछ एक क्लिप्स होंगे जो इसको रोक रहे हैं, तो मैं उसको धीरे धीरे आसानी से देख लूँगा, और साथ ही साथ ये भी देखूँगा कि कोई कनेक्टर तो उससे अटैच नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको भी अनलॉक करना है मुझे कनेक्टर्स को, जैसे कि हो सकता है कि अगर मदरबोर्ड बॉटम से टच में होगा तो ऊपर के कीबोर्ड और माउस के जो कनेक्टर्स होंगे वो गारंटी के साथ टच में होंगे, और ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो चौड़ा पट्टा है वो आपका कीबोर्ड के लिए है, और उसके जस्ट बगल में उस कीबोर्ड की बैकलाइट के लिए एक पावर केबल दी गई है, और साथ ही साथ जो आपको ये वाइट कलर का पत्ता दिख रहा होगा ये आपका टच पैड के लिए है, ये आपका कीबोर्ड के लिए है। इसको मैं अनलॉक कर दूंगा यहाँ से, ये अनलॉक हो गया है, और ये वाला जो है आपका कीबोर्ड के पीछे जो लाइट जलती है ना वाइट कलर की या जो डिफरेंट कलर की हो सकती है, तो उसके लिए पावर का काम करता है। और यहाँ पे अगर मैं इस वाले केबल की बात करूँ जो वाइट कलर का भी मैं निकाल रहा हूँ, ये है हमारा टच पैड के लिए, ठीक है। ये दोनों केबल्स जो है मैंने निकाल दिए हैं, जिससे कि अपर वाला पैनल जो है वो निकल गया है। किसी किसी केस में आपके इसी के सीरीज़ में ही आपको हो सकता है कि बॉटम में बॉटम का कवर बिल्कुल आसानी से निकल जाए, है ना, जो कि मदरबोर्ड जो होगा आपके अपर वाले पार्ट में फिक्स हो रहा होगा, और यहाँ पे केस में क्या है कि अपर वाला पार्ट जो है निकल रहा है, ठीक है। ये वाली केबल की बात कर रहा था, ये केबल जो है आपकी पावर के लिए है, जो कि आपके पावर के सॉरी जो आपके कीबोर्ड के बैकलाइट को पावर देती है ना। और ये वाली जो है आपकी टच पैड के लिए है वाइट कलर की, ये टच पैड लगा हुआ है, टच पैड का पत्ता है, ठीक है, ये टच पैड लगा है यहाँ पे। इसमें लेफ्ट और राइट क्लिक के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कितनी डस्ट है इस लैपटॉप के अंदर। और अभी मैं आपको फ़ैन को मूव करा के दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली जो एरर था वो एरर इस बात को इंडिकेट कर रहा था, एचपी के अगर लैपटॉप की बात करें या कुछ और लैपटॉप्स भी हैं जो कंपनियों के हैं जो हमको प्रायोरिटी पे इंडिकेशन करके इंडिकेशन से बता देते हैं कि क्या फॉल्ट है लैपटॉप के अंदर। जैसे बेसिक फॉल्ट जो अभी हम आपको बता रहे हैं वो फ़ैन का था, कि सिस्टम ने चेक किया, डायग्नोस किया कि जो सिस्टम का फ़ैन है यानी जो सीपीयू फ़ैन है इसको उसने जब चेक किया तो उसने पाया कि ये सीपीयू का फ़ैन जो है मूव नहीं कर रहा है, तो उसने एक एरर जनरेट कर दिया जो कि शुरुआत में ही था, और बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा एरर है, जिससे कि हमको ये पता चल पाएगा कि सिस्टम का फ़ैन नहीं चल रहा है और हमको उसको ठीक करा लेना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम उसको ठीक नहीं करवाते हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये एक्चुअली इसका काम होता है प्रोसेसर को कूल रखना या जो भी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई होती है उनको चिल रखना, उनको ठंडा रखना। तो अगर ये फ़ैन ही काम नहीं करेगा तो जो हमारे सीपीयू वो ओवरहीट होंगे, और ओवरहीट होने के साथ ही साथ क्या होगा कि वो बार बार बंद होंगे, क्योंकि वो अपने आप को सेफ़ रखने के लिए
शट डाउन करवा देते हैं सीन सिस्टम को, है ना, यानी खुद को बंद कर देते हैं अपने आप को ख़राब होने से बचाने के लिए। वो खुद को बंद कर देते हैं, खुद की पावर सप्लाई को रोक देते हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है यूज़ करने का। अगर वो एरर दे रहा है तो उस एरर का रिजोल्यूशन करवाना है, या तो आप खुद कर सकते हैं इस चीज़ को, तो खुद करें, या तो किसी सर्विस के लिए किसी के पास लेके जाएं जो भी इसकी इस तरह की प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये फ़ैन जो है मूव नहीं कर रहा था। अब वो मूव क्यों नहीं कर रहा है, डस्ट है कि क्या इशू है, अब इसको पूरी तरह से मदरबोर्ड को हमको खोलना पड़ेगा, तभी हमको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि ये फ़ैन जो है वो बिना हमको पार्ट्स को खोले ऐसे आसानी से नहीं निकलने वाला, हमको मदरबोर्ड पूरा खोलना ही पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की थी कि शायद ये फ़ैन अलग से निकल जाए, मगर इसका एक्चुअली कनेक्टर भी जो है वो भी नीचे साइड से कनेक्ट हो रहा है, तो चांसेस ही नहीं है कि मैं इसको ऊपर से निकाल लूँ। तो मुझे पूरा मदरबोर्ड ही खोलना पड़ेगा। तो अब एक एक करके मैं जो भी पार्ट्स हैं, एक्चुअली मुझे जो है बैटरी पहले निकाल लेनी चाहिए थी, मगर कोई इशू नहीं है, मैं बहुत सावधानी से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो शॉर्ट सर्किट का कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है मेरे साथ तो। और जैसे कि अभी आपने देखा, ये मैंने जो है केबल है, ये केबल जो है आपके LCD से कनेक्ट हो रही है हमारे मदरबोर्ड में, और इसको मैंने टेप इसलिए कर दिया है ताकि अगर मैं जब इसको क्लीन करूँगा तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं या कोई नमी पानी या जो भी मैं केमिकल यूज़ करूँगा साफ क्लीन करने के लिए, वो इसमें ना पहुँचे, है ना, क्योंकि वो क्लीन था अंदर था, तो वापस से वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं डस्ट करूँगा उस तक मुझे वापस, मतलब मैं उस चीज़ को छेड़ना ही नहीं चाहता हूँ जो प्रॉपर कंडीशन में है। तो मैं केयरफुली इन सब पे टेपिंग कर दे रहा हूँ जैसे कि डस्ट अंदर ना जाए, क्योंकि डस्ट अंदर जाएगी तो फिर मैं उसको साफ़ करूँगा। तो ऐसा करने से अच्छा है भाई पहले ही सावधानी बरत ली जाए। तो आप भी चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं प्रॉब्लम को बिना बढ़ाए काम करने के लिए। मेरा ये तरीका है, आपका भी हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सारे कनेक्टर्स, सारे स्क्रू जो कि मदरबोर्ड में कनेक्टेड होंगे, उन सबको फटाफट खोल दूंगा ताकि मेरे को मेरा फ़ैन जो है एक्सेसिबल हो जाए। क्योंकि मेरे को बेसिकली मेरी जो प्रॉब्लम है, मैंने फोकस करके इसी पे ही काम करना है कि मेरे को फ़ैन को देखना है कि वो भाई मूव क्यों नहीं कर रहा है। एक्चुअल रीज़न उसका मेरे को डायग्नोस करना है कि क्या है ऐसा रीज़न जो कि मूव नहीं कर रहा है बस। और अगर फ़ैन मूव नहीं कर रहा है तो इसके अगर रीज़न को समझने की बात करें तो कहा जा सकता है कि इसको पावर नहीं मिल रही है, या तो जो पावर मिल रही है वो इसके फ़ैन तक जा रही है मगर फ़ैन जो है पूरी तरह से डैमेज है, ख़राब है, सर्किट उसका ओपन है या शॉर्ट है, तो वो काम नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा है, या तो ये जाम है, या तो और भी कुछ रीज़न हो सकता है। वायर देख के पता चलेगा कि भाई हो सकता है कनेक्टर ही लूज़ हो। तो जब तक हम नीचे का पार्ट नहीं खोलेंगे और फ़ैन को बाहर नहीं निकालेंगे, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी उसकी चेक नहीं करेंगे, साथ ही साथ जो भी उसके वोल्टेज हैं 12 वोल्ट तो हम उसको 12 वोल्ट दे करके, या 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट दे करके, जब तक हम चेक नहीं करेंगे कि वाकई में फ़ैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तब तक हम नहीं कह सकते कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। तो अभी तो ये जाम ही था, चौक ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पावर से रिलेटेड कोई इशू होने वाला है। अगर फिर भी सारे केबल कनेक्टर्स को मैं ओपन करते करते लगभग एक्सेसिबल होने वाला है मेरे पास सारी चीज़ें। तो अभी जो बैटरी है वो भी मुझे निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना जो लैपटॉप है ये नहीं निकलने वाला। अब लगभग सारे स्क्रू निकल चुके हैं, फिर भी मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ कि सारे स्क्रू जो हैं वो खुल चुके हैं कि नहीं खुल चुके हैं, क्योंकि हो सकता है मैं झटके से खोलूँ और कुछ ना कुछ स्क्रू लगा रह गया हो तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर देगा। तो मुझे सावधानी से देख लेना, जल्दबाजी नहीं करनी होती किसी चीज़ के लिए। देखिए एक कनेक्टर छूट गया था यहाँ से, तो इसको भी मैंने हटा लिया है। और एक स्क्रू के साथ यहाँ पे नीचे रह गया था।
तो फाइनली मुझे जो है बैटरी निकालनी ही पड़ रही है, क्योंकि इसको निकाले बिना काम नहीं बनने वाला है। ये 4-5 स्क्रूज थे जो कि मैंने खोल दिए हैं बैटरी को रिमूव करने के लिए। बैटरी की बात करें तो ये इंटरनल बैटरी के साथ आता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी करना पड़ा होगा कि ये स्लिम लैपटॉप है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है जो इस बैटरी की दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लिथियम बैटरी है ये। तो मुझे लगता है कि अभी ये मदरबोर्ड जो है वो उठ सकता है आसानी से, तो धीरे धीरे उठाना है ताकि देख सकें कि और कोई कनेक्टर कनेक्ट ना हो रहा है। मुझे लगता है कि वाईफाई का जो कनेक्टर है वो नीचे से था, वो छोड़ दिया था मैंने कि शायद वो निकल जाएगा, मगर पीछे शायद स्क्रू लगा होगा। मेरे हिसाब से मुझे तार ही निकालने पड़ेंगे इसके। एक्चुअली टेप भी लगा हुआ है, तो कनेक्टर की वायर को ही निकाल लेते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कनेक्टर पे 1 और 2 लिखा हुआ है, और सेम टू सेम जो लेबलिंग है वो आपके उस वाईफाई डिवाइस के ऊपर भी लिखी हुई है 1 और 2 करके। तो जब आप निकाल लें इसको और निकालने के बाद वापस लगाना ही पड़ा है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहीं लिखा ना हो तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कई लैपटॉप्स ऐसे होते हैं कुछ ब्रांड्स के जिसमें कि ऐसा कोई इंडिकेशन कोई टैगिंग नहीं होती है, तो खोलने के बाद हमको वापस लगाना पड़ता है तो हम भूल जाते हैं कि लेफ़्ट और राइट कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे सीपीयू और जीपीयू दोनों दिए हुए हैं और ये हीट सिंक के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ का मामला तो सब कुछ सही है, और ये हमारे पास एक SSD लगाने की जगह दी हुई है जो कि इंटरनली कनेक्ट हो जाती है, MSATA, है ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है MSATA 1। तो अच्छा है कि यहाँ पे एक MSATA लगाने की जगह है, अगर कभी इनको हार्ड डिस्क या SSD एक साथ चाहिए होंगी तो MSATA लगा करके वो SSD का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारा फ़ैन का कनेक्टर है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो फैन का कनेक्टर लूज़ नहीं था, वो प्रॉपर लगा हुआ था। अब बारी है फ़ैन को मदरबोर्ड से अलग करने की, तो ज़रूरत नहीं है हमें हीट सिंक को मदरबोर्ड से अलग करने की, सिंपली हम फ़ैन को ही अलग करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि जो बैक साइड में डैमेज थी उससे क्या डैमेज हुआ है, तो आपको एक इंडिकेशन मैं यहाँ पर दिखा दूँगा। ये इंडिकेशन आपको हल्का हल्का अभी दिखेगा यहाँ पर कि वो क्या इंडिकेशन है। देखिए, जहाँ पर मेरा अंगूठा है उस जगह पर हल्का सा बैंडिंग है, जो कि उसकी कवर प्लेट है फैन की, वहाँ बैंड हो रही है वो चद्दर की। देखिए, जिसने इस फैन के पंखड़ियों को दबा दिया है और फैन मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि डस्ट से चोक हो सकता है, मगर इतना नहीं कि वो बिल्कुल ही ना घूमे, हल्की फुल्की मूवमेंट तो जरूर से होती है। तो ये जो फैन है वो मैंने अलग कर लिया है, और आप चद्दर देखें जहाँ पे मेरी उंगली है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा हल्की सी बेंडिंग। देखिए, फैन यहाँ पर बिना कवर लगाए कितना आसानी से घूम रहा है, तो फैन के अलाइनमेंट में कोई इश्यू नहीं है। अब जो है क्लीनिंग का पार्ट है, मैं सारे पार्ट्स को जो है वो क्लीन कर लूँगा प्रॉपर तरीके से, फैन को भी क्लीन कर ले रहा हूँ मैं।
तो ये फ़ैन जो है मैंने पूरी तरह से टेस्ट कर लिया है, वर्किंग कंडीशन में है, मूव करके देख रहा हूँ तो भी काम कर रहा है, मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी भी आ रही है, और अगर मैं इसको वोल्टेजेस दे रहा हूँ तो ये मूव कर रहा है, तो मूवमेंट में कोई कमी नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि मदरबोर्ड से कोई इशू होना चाहिए। जो जाम था वो कवर प्लेट की वजह से हुआ था, तो अभी मैं उसको फिक्स कर दूंगा दोनों चीज़ों को। तो मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें आगे बढ़ाए, जो मेरा मेन मकसद है उसको फुलफ़िल करते हैं। वापस इसको हम असेंबल करेंगे सारे पार्ट्स को, जैसे कि जैसे हमने खोला था। तो हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट करने की बारी है, क्योंकि अब हमको दूसरे स्टेप पे भी जाना है, कि जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी उसको भी रिजॉल्व करना है फटाफट। तो बिना देर किए, बहुत ज़्यादा देर किए, हमको इस काम को ख़त्म करना है। तो अभी तो मैं इसको लगा दूंगा एज इट इज़, और लगाने के बाद ही हम उसको ऊपर करेंगे, जो कि पंखड़ी से दब चुका है। ये देखिए मैंने हल्का सा ऊपर किया है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से पंप कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ये मूव हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपके सामने, अभी ये घूम रहा है क्योंकि मैंने इसको हल्का सा ऊपर किया है, मगर देखिए जैसे मैंने अंगूठा इसके ऊपर रखा तो ये मूव करना बंद कर दिया इसने। तो हाँ, अंगूठे से क्या हो रहा था, वो फ़ैन की पकड़ियों को दबा ले रहा था। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा, जैसे कि अगर बेंडिंग भी हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके कनेक्टर को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तो अगर ये छूट गया तो आपको फिर से पूरा मदरबोर्ड खोल के बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफदायक होने वाला काम है। अब जैसे कि मदरबोर्ड को मैं फिक्स करूँगा बॉडी के साथ, और सारे कनेक्टर्स, सारे स्क्रू, सारे केबल्स, बैटरी और जो भी चीज़ें मैंने सेपरेट की थी उन सबको सही जगह पर लगा दूंगा, और इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, आप चाहें तो इसको स्लो करके देख सकते हैं। कोई भी कनेक्टर केबल छूटनी नहीं चाहिए, समय लें और समय लेकर के ध्यान से सारी चीज़ें करें। जल्दबाजी में कोई स्क्रू या कोई कनेक्टर कुछ छूट गया तो उसकी परेशानी से बचें, तसल्ली से सारे स्क्रू सारे कनेक्टर्स को लगाएं, देखें ये सब प्रॉपर लग चुके हैं कि नहीं लग चुके हैं, और सही तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो मैंने ओवरव्यू ले लिया है, सब कुछ लग चुका है। अब बारी है मुझे कीबोर्ड और आपके टच पैड के कनेक्टर्स को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने की, तो मैं इसको भी कनेक्ट कर लूँगा। और इनको भी प्रॉपर तरीके से आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि जिस पोजीशन में ये कनेक्ट किए जाते हैं, जिस तरीके से ये कनेक्ट किए जाते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर कनेक्टिंग करनी है, नहीं तो अगर हमने वापस से इसको बंद कर दिया और कीबोर्ड, टच पैड या बैकलाइट तीनों में से कोई भी कनेक्टर लूज़ रह गया या प्रॉपर तरीके से नहीं लगा, तो हमको वापस से फिर खोलना पड़ेगा इसको। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको ज़रूर से कनेक्ट करें, ताकि दोबारा ना खोलना पड़े। तो मेरे अपने एंड से मैंने इसको प्रॉपर तरीके से लगा दिया है, और अब बारी है फिक्स करने की। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक जो कुशन है वो रह गया है, तो लेफ़्ट साइड में मुझे को पड़ा हुआ दिख रहा है, तो उसको अभी मैं लगा देता हूँ। ये लगाना है मुझे,
अगर प्रॉब्लम में कई बार आप सुनते होंगे कि ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो मैंने जो शुरुआत में दो प्रॉब्लम बताई थी उसमें जो पहली वाली प्रॉब्लम थी जो कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हमको इंडिकेट तो हो रही थी, मगर वो थी एक हार्डवेयर की प्रॉब्लम यानी फ़ैन मूव ना होने की समस्या। और अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूं जिसमें कि हमारे पावर ऑप्शन में दो ऑप्शन जो कि एक शटडाउन का और एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है वो नहीं आ रहा है, तो वह है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। तो हार्डवेयर की प्रॉब्लम मुझे लगता है मेरे एंड से मैंने कंप्लीट कर दी है, और साथ ही साथ मैंने जो स्क्रू हैं वो सारे के सारे स्क्रू मैंने लगा दिए हैं और बैक साइड पूरा पैक कर दिया है मैंने। और अब इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं तो हमारे सामने वो एरर जो पहले आ रहा था वैसा कोई एरर नहीं है, और चूँकि हमने सारा पार्ट वापस से असेंबल किया है तो किसी तरीके का एक हल्का सा इंडिकेशन है एक बायोस का, जो कि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम रिबूट करेंगे तो आने आएगा। तो हमारा ये सिस्टम जो है बिना उस एरर के जो कि पहले आ रहा था के रीस्टार्ट हो चुका है, और हम अब आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जिसमें हमको देखना है कि वो शटडाउन और रीस्टार्ट का बटन हमको क्यों अवेलेबल नहीं शो कर रहा है वहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस सिस्टम को लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ ऑथेंटिकेट करा के। ये एक एरर है जो कि वन ड्राइव जो है इंटरनेट से कनेक्ट नहीं पा रही उसके लिए। तो हम पहले प्रॉब्लम को देखते हैं कि वो प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है या नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम थी, और तो अब हमको क्या करना है कि रजिस्ट्री एडिटर में जाना है, और जैसा कि मैं फॉलो करता हूँ आपको सिंपली उसी तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसको रिजॉल्व कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्री एडिटर ओपन हुआ दिख रहा है उसमें जो भी आपको एड्रेस बार में जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो उसके पास जाते हुए आपको यहाँ पे नो क्लोज को डेटा वैल्यू में 0 कर देना है। और अभी मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि बिना रीस्टार्ट की ये ऑप्शन एनेबल नहीं होने वाला है, तो मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। और रीस्टार्ट करने के लिए जो कमांड है, अब आप कहेंगे कि रीस्टार्ट करने का बटन नहीं है तो रीस्टार्ट कैसे करेंगे, तो रीस्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है शट डाउन स्पेस हाइफन आर स्पेस हाइफन टी, और स्पेस में आप टाइम डाल सकते हैं सेकंड के अंदर, या नहीं डालेंगे तो 60 सेकंड मिनिमम लेगा वो। तो यहाँ पर ये 10 सेकंड मैंने डाले थे, 10 सेकंड के अंदर ये सिस्टम शट डाउन होकर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा सिस्टम वापस से मुझे लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है, इसे मैं लॉगिन करके अब चेक करना है हमें कि जो काम किया था हमने वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, और पावर बटन वगैरह आके देखते हैं तो स्लीप शटडाउन रीस्टार्ट सबके बटन एक्सेस हो चुके हैं, और ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।